हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर न्यू चैनल प्रिया रेसिपी। तो आज हम बनाने वाले हैं मछली आलू और भिंडी की सब्जी। तो हम कुछ नए स्टाइल में बनाएंगे, बंगाली स्टाइल में। तो चले देखते हैं हम कैसे बनाते हैं। हमने कढ़ाई को गरम कर लिया, अब इसमें बादाम तेल भी डाल लिया हमने। तो अब हम तेल में जीरा डाल देंगे। हमने सरसों को पेस्ट कर लिया था, अब वो डाल देंगे। अब इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। तो अब इसको एक कटोरी में उठा लेंगे। तो अब हम फिर से बादाम तेल दे देंगे। तेल को अच्छे से गरम कर लेना है। उसके बाद हमने जो भिंडी काट के रखी थी वो दे देंगे। हमने मछली को ऑलरेडी फ्राई करके रखा है। अब हम भिंडी में थोड़ा सा हल्दी डालेंगे। अब हम इसमें डालने वाले हैं नमक। फिर इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है। देखिए भिंडी को ऐसे फ्राई करते हैं। भिंडी को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब हम भिंडी को उठा लेंगे एक प्लेट में। लगभग हमारा भिंडी अच्छे से फ्राई हो चुका है। हम कढ़ाई में फिर से बादाम तेल दे देंगे। भिंडी हमने उठा ली है, भिंडी अच्छे से तैयार हो चुकी है। हमारा कढ़ाई फिर से गर्म हो चुका है तेल में। और अब हम डालेंगे आलू जो हमने काट लिया था पहले। अच्छे से फ्राई कर लेंगे। थोड़ा सा हल्दी डालेंगे। फिर थोड़ा सा नमक डाल देंगे। अब इसे अच्छे से फ्राई करना है। तो अब हम आलू को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इसमें हम लाल मिर्च पाउडर डालेंगे एक चम्मच। अब हम इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो लगभग हमारा आलू फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे पानी। अब इसे अच्छे से उबाल लेंगे। तो हमारे सब्जी में उबाल आ चुकी है। हम इसे थोड़ी देर और उबल लाएंगे इसमें। तो अब हम इसमें भिंडी डालने वाले हैं। अब हमने भिंडी डाल दी है। अब हम मछली डालने वाले हैं। तो अब हम इसमें
मछली डालने वाले हैं। मछली को अच्छे से फ्राई कर लिया था हमने पहले ही। हम लोग इसमें से कुछ आलू लेके, दो तीन आलू लेके उसको गला लेंगे, क्योंकि इसमें से आलू गलाने से जो हमारा सब्जी है वो थोड़ा अच्छा होगा, टेस्ट ज़्यादा आएगा और इसमें सब्जी गाढ़ा भी होता है। तो मैं आलू को अच्छे से गला लेंगे। अब हम उस गलाए आलू को सब्जी में दे देंगे। जो मसाला हमने कटोरी में उठा के रखा था वो अब दे देंगे। फिलहाल हमारा सब्जी हो गया है और 5 मिनट तक और ऐसे रख देंगे। सब्जी हो चुका है, अब हम इसे उतार लेंगे। तो आप देख सकते हो कि हमारा सब्जी तैयार हो चुका है। आप इसे एक बार जरूर ट्राई करना भिंडी मछली के साथ। हमें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब कर हमें लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और यदि आपको रेसिपी पसंद हो तो हमें कमेंट ज़रूर करें। ऐसे फिर आपसे मुलाकात होगी एक बंगाली रेसिपी के साथ। और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें।